हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट टेस्टिंग ऑफ मशीन्स। टेस्टिंग ऑफ मशीन्स के अंदर हम बात करेंगे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कि जो भी हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में कि टेस्टिंग इक्विपमेंट जिनका हम यूज करते हैं किसी भी तरह के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन करने के लिए, उनकी टेस्टिंग और चेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के अंदर हमारे वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका हम यूज किस तरह से करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट एज स्पिरिट लेवल ऑटोकॉलीमीटर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, तो डायल इंडिकेटर या फिर जिसको हम डायल गेज भी बोलते हैं, तो उन टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे हम टेस्टिंग ऑफ मशीन्स यूनिट के अंदर। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट रहेंगे, चाहे वो परफॉर्मेंस टेस्ट हो, अलाइनमेंट टेस्ट हो या फिर ज्योमेट्रिकल टेस्ट होंगे हमारे टेस्टिंग के, तो उन टेस्टिंग टेस्ट की भी बात हम करेंगे हमारी टेस्टिंग ऑफ मशीन यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा क्या है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में आपको बताया कि अलग अलग तरह के हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होंगे। जिन इक्विपमेंट्स पे हम बात करेंगे कौन कौन से, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, डायल इंडिकेटर या जिसको डायल गेज भी बोल सकते हो, उसी तरह हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे ऑटो कैलीमीटर होंगे, स्पिरिट लेवल होगा, स्ट्रेट एज होगा, वर्नियर कैलिपर, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होगा वो कौन सा कहलाएगा, वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट होगा वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट जो हमारा टेस्टिंग इक्विपमेंट होगा वो कौन सा होगा, वर्नियर कैलिपर। तो अब देखिए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या है, ये आप इससे पहले जो हमने इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी के अंदर मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट की थी तो वहां पे भी आपको बताया था, सिमिलर ये पूरा यूनिट जो हमारी रहेगी टेस्टिंग ऑफ मशीन, सिमिलर सेम टू सेम हमारी उसी तरह से होगी जैसे हमने बात की थी हमारे मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट के अंदर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट के अंदर। वहां पे भी हमने इन चीजों के बारे में बात की थी कि माइक्रोमीटर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या है, यूज हम कहां पे कर रहे हैं, स्पिरिट लेवल के बारे में, स्ट्रेट एज के बारे में, ऑटो कैलीमीटर के बारे में, जो भी हमारे एक्स्ट्रा हमारे जो क्लिपर्स थे उन क्लिपर्स के बारे में भी हमने बात की थी, चाहे वो डायल इंडिकेटर हो, डायल गेज हो, हमारे कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, ट्राइस्केल होते हैं, साइन बार होते हैं, तो वो सारे हमारे कहाँ पे आते हैं, टेस्टिंग ऑफ मशीन यूनिट के अंदर, जहाँ फिर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उनको मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट के अंदर। वही आप फिर से बात यहाँ पे कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में कि क्या है, इट इज ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, जिसका हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है हमारे शाफ्ट के या फिर थिकनेस है किसी प्लेट की, उन चीजों को मेजर करने के लिए जो एक्यूरेसी रहेगी वो होगी 0.02 mm। जब हम बात करते हैं माइक्रोमीटर की तो माइक्रोमीटर के अंदर एक्यूरेसी होती है 0.01 mm, लेकिन वर्नियर कैलिपर में जो एक्यूरेसी रहेगी वो होगी 0.02 mm। तो वर्नियर कैलिपर में हम लिख सकते हैं कि क्या, कि इट इज यूज्ड, किसका हम यूज किस लिए करते हैं, कि इट इज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कि ये क्या एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट एंड थिकनेस ऑफ ए प्लेट, जो भी थिकनेस रहेगी, तो इट इज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू which is used to measure external as well as internal। कि वर्नियर कैलिपर क्या है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल डायमीटर है या फिर हमारी शाफ्ट का इंटरनल डायमीटर है, उसको मेजर करने के लिए हम जिस टूल का यूज कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाएगा, वर्नियर कैलिपर। इट इज यूज्ड टू मेजर एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड थिकनेस ऑफ प्लेट्स,
जो भी हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट की थिकनेस को भी मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा कहलाएगा? वर्नियर कैलिपर। एक्यूरेसी की जब हम बात करेंगे तो एक्यूरेसी जो वर्नियर कैलिपर के अंदर होगी वो रहेगी 0.02 mm, कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो कितनी रहेगी? 0.02 mm। इट्स एक्यूरेसी इज 0.02 mm। एक्यूरेसी कितनी होगी? 0.02 mm। इसके अलावा इट कैन आल्सो यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ स्लॉट एंड होल्स, कि जो हमारे होल्स होते हैं या फिर स्लॉट है, स्लॉट्स और होल्स की डेप्थ को मेजर करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। क्योंकि वर्नियर कैलिपर आपने नॉर्मली वर्कशॉप में देखा होगा, जब हम कोई भी जॉब वगैरह तैयार कर रहे हैं मेजरमेंट के दौरान, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर के जो आगे वाले हिस्से होंगे, यानी कि क्या होते हैं, जो आगे वाले हिस्से होंगे उनका हम यूज किस लिए करते हैं? जो भी एक्सटर्नल डायमीटर है, कि जिस तरह से मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्या है, वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर का जो फ्रंट का हिस्सा रहेगा, यानी कि जो आगे वाले हिस्से रहेंगे, तो इनका हम यूज किस लिए करते हैं? ये चीजें तो यूज करते हैं हम आउटर डायमीटर, जो भी आउटर हमारा डायमीटर है, आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए, जो भी आउटर डायमीटर रहेगा, आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए, तो हम जो नीचे वाले रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, ब्लेड्स, इनका यूज करेंगे। जो ऊपर यहाँ पे हमारे ब्लेड्स बने होंगे इनका हम यूज करते होते हैं किनके लिए? इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए, इंटरनल डायमीटर, या अगर हमने इंटरनल डायमीटर करना है तो इन ब्लेड्स का यूज करेंगे। नीचे जो हमारे ब्लेड्स रहेंगे या जिनको जा बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं आउटर डायमीटर के लिए। और इसी तरह क्या होता है, इनके पीछे इस तरह से एक स्केल लगा होता है जिसका हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए डेप्थ को, कि कोई भी हमारी डेप्थ है, डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमने बात की कि वर्नियर कैलिपर का यूज और हम कहाँ पे कर सकते हैं, कि इट इज यूज्ड टू मेजर जो भी हमारे होल्स हैं डेप्थ मेजर करने के लिए, होल्स और स्लॉट्स की, इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ स्लॉट्स एंड होल्स। जो भी स्लॉट्स और होल्स रहेंगे उन होल्स और स्लॉट्स की जो भी डेप्थ है, उस डेप्थ को मेजर करने के लिए भी हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर नॉर्मली आपको पता ही है, हमने इससे पहले भी बात की है इसके बारे में, कि ये क्या होता है, एक सिंपल टू इसके ऊपर स्केल होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं, टू स्केल होते हैं जिनके ऊपर डिवीजन कटी होती है डिफरेंट साइज के तौर पे। यूज हम किस लिए करते हैं? यूज आपको बता दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट की, चाहे हमारे पास कोई शाफ्ट है, उस शाफ्ट का चाहे हमने इंटरनल डायमीटर मेजर करना है या फिर एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, दोनों तरह के डायमीटर को मेजर करना या फिर किसी प्लेट की थिकनेस को मेजर करना, तब भी हम यूज किसका करते हैं? वर्नियर कैलिपर का। इसके अलावा हमारे पास स्लॉट और होल्स हैं, उन होल्स और स्लॉट्स के जो डेप्थ है, उन डेप्थ को मेजर करने के लिए भी हम यूज किसका कर रहे हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं। और एक्यूरेसी जो रहेगी वो कितनी होगी? 0.02 mm एक्यूरेसी होगी हमारे वर्नियर कैलिपर की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा स्पिरिट लेवल। फर्स्ट पॉइंट आपको पता लगा टेस्टिंग इक्विपमेंट के अंदर, वो हमारा है वर्नियर कैलिपर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, तो सेकंड हमारा कौन सा रहेगा? सेकंड होगा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, तो अब देखिए स्पिरिट लेवल ये क्या है? ये एक मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, कि इट इज ए स्पिरिट, दिस स्पिरिट लेवल इज ए सिंपल मेजरिंग मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? कोई भी हमारे पास मशीनरी है या फिर कोई फ्लैट सरफेस है उसकी लेवलिंग को चेक करने के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर एक लेवलिंग के लिए हम एक स्केल होता है, ठीक है, जिसको हम स्पिरिट लेवल बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक वाटर बबल्स होते हैं जो कि मेंशन होता है कि जब भी हम, अगर हमारा जो सरफेस है, जो फ्लैटनेस है या फिर मशीन है जिस सरफेस को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अप एंड डाउन होगा तो जो बबल रहेगा एयर का वो क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा, कि और अगर वो बिल्कुल सेट होगा तो वो सेंटर में रहेगा, वो हमारा, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पिरिट लेवल। अगर हम मैकेनिकल वे से देखें तो वो हमारा कौन सा रहेगा, स्पिरिट लेवल।
तो स्पिरिट लेवल में क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस। ये क्या है, एक मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, लेवलिंग द मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, जो भी हमारी मशीनरी है या फिर मशीनरी मतलब जब हम मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं इन हमारे प्लांट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन को सेट कर रहे हैं, तो मशीन को एक लेवल के अंदर रखने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अदर इंस्टॉलेशन होती है या फिर अदर इक्विपमेंट्स हैं वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं स्पिरिट लेवल का। और ये क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्पेशल एंगल मेजरिंग प्रिंसिपल। एक प्रीशियस हमारा एंगल मेजरिंग प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल पे बेस होगा हमारा स्पिरिट लेवल जिसका हम यूज करेंगे लेवलिंग करने के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, लेवलिंग करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंपल ग्लास ट्यूब होगी, कि एक ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर क्या होगा, जो वाटर कंटेन होगा, जो लार्ज रेडियस होगा वाटर के, ये लकड़ी का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। नॉर्मली वुड और मेटल दोनों तरह के हमारे जो स्पिरिट लेवल हैं उनका हम वाइडली यूज कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं वाइडली यूज कर रहे हैं, सॉरी इंडस्ट्री में हम वाइडली यूज कर रहे हैं हमारे वुड और मेटल से बने हुए जो भी स्पिरिट लेवल है। वो ही आपको बताया कि इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर कंटेंट होगा, वाटर के अंदर क्या होगा, जो बबल होगा, बबल किस चीज का होगा, एयर का एक बबल होगा जो कि लेफ्ट और राइट क्या करेगा, मूव करेगा, लेफ्ट और राइट मूव करेगा वो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी सरफेस की पोजीशन होगी। अगर वो बिल्कुल सेंटर में होगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मशीनरी है वो बिल्कुल क्या है, लेवल के अंदर है, यानी कि वो क्या है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो स्पिरिट लेवल में लिख सकते हैं कि इट इज ए डिवाइस, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस, it is a mechanical measuring device। ये क्या है, mechanical measuring device है जिसका हम use किस लिए करते हैं, sorry, it is a mechanical measuring device which is used to leveling the machines and other equipments, जो भी हमारे other equipments रहेंगे या फिर जो भी हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को लेवल में करने के लिए, लेवलिंग के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा कहला रहा है, उसको बोलेंगे स्पिरिट लेवल। इसके अलावा इट इज बेस्ड ऑन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिसिशन एंगल प्रिंसिपल, जो एंगल मेजरिंग प्रिंसिपल होगा। इट इज बेस्ड ऑन एंगल मेजरिंग प्रिंसिपल। ये एंगल मेजरिंग जो प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा हमारा स्पिरिट लेवल का फॉर्मूला। ये क्या होता है, इट कंटेन्स ए ग्लास ट्यूब। ये क्या होता है, एक तरह से ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होगा, जो एयर होगी, और नॉर्मली बना किस चीज की होगी, इट इज मेड बाय वुड और मेटल। नॉर्मली बनी किस चीज की होगी, या तो लकड़ी की या फिर हम बोल सकते हैं मेटल की बनी होगी। और इसके अंदर क्या होगा, एक एयर बबल होगा जो कि लेफ्ट और राइट क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हमारा जो मशीनरी है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर होगी तो वो जो बबल रहेगा एयर का वो भी कहाँ पे होगा, स्पिरिट लेवल के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, जो हमारा सरफेस है मशीनरी का वो उसके अंदर क्या है, यानी कि वो फ्लैट नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, स्पिरिट लेवल। तो एक बार देख लीजिए, टॉपिक शुरू किया टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के अंदर आपको बताया कि काफी तरह के हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स रहेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, स्पिरिट लेवल है, स्ट्रेट एज है, डायल इंडिकेटर या डायल गेज बोल सकते हैं, मैंडरल है, तो ये हमारे क्या है कुछ ऑटोकॉलिमीटर, ये क्या है टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है जिनके बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो फर्स्ट कौन सा है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर बताया आपको कि ये क्या, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए डायमीटर, चाहे वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल शाफ्ट, कि जो भी हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, इनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का। इसके अलावा
थिकनेस ऑफ प्लेट, किसी भी प्लेट की जो थिकनेस है थिकनेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। जो एक्यूरेसी रहेगी यानी कि इन सबको मेजर करने के दौरान जो एक्यूरेसी रहेगी वो होगी 0.02 mm। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे वर्नियर कैलिपर का यूज हम डेप्थ चेक करने के लिए भी करते हैं, जो हमारे डेप्थ ऑफ स्लॉट्स हैं या फिर होल्स हैं उनकी जो डेप्थ है डेप्थ को चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं हमारे किस चीज़ का वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट हमने बात की सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा या फिर टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो होगा स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल क्या है, एक मैकेनिकल मेजरिंग डिवाइस है जिसका काम क्या है लेवलिंग करना मशीन को, जो भी जिसका काम क्या है यूज फॉर लेवलिंग द मशीनरी, जो भी हमारी मशीनरी है मशीनरी को लेवल करना या फिर अदर इक्विपमेंट जितने भी कोई अदर इक्विपमेंट्स है उनको लेवल में करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी कहलाती है स्पिरिट लेवल। ये क्या होती है, एक स्पेशल एंगल मेजरिंग प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पे बेस होगी। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर एयर बबल होगा जो कि लेफ्ट राइट क्या करेगा मूव करेगा, अगर वो सेंटर में होगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो जॉब है हमारी जो मशीनरी है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल यानी कि जिस जगह पे हम उसको फिट करना चाहते हैं वहीं पे है। इसके अलावा ये बनी किस चीज के होंगे जो स्पिरिट लेवल होंगे, या तो लकड़ी के बने होंगे या फिर मेटल के, वुड और मेटल, तो इन चीजों से बने होंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है। दो पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली, वर्नियर कैलिपर और हमारा कौन सा था स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में। थर्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट जो रहेगा वो होगा हमारा स्ट्रेट एज। थर्ड इक्विपमेंट शुरू करते हैं, तो थर्ड जो हमारा इक्विपमेंट रहेगा वो थर्ड इक्विपमेंट हमारा कौन सा होगा, वो इक्विपमेंट कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एज। थर्ड नंबर पे होगा स्ट्रेट एज। तो देखिए स्ट्रेट एज का यूज हम किस लिए करते हैं, इट इज यूज फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ ए प्लेन सरफेस particular to test the accuracy of the ways of lathe planer, जैसे कि हमारा lathe का lathe planer है, lathe है, planer है, shaper है, तो इन सब के अंदर जो surface है, surface की flatness और parallelism को check करने के लिए हम जिस measuring instrument का use कर रहे हैं, वो instrument हमारा कौन सा कहलाएगा? Straight edge। तो testing equipment के अंदर हम लिख सकते हैं कि it is used, कि straight edge क्या है? It is used to measure, किसलिए use करते हैं? It is used for testing the straightness एंड फ्लैटनेस ऑफ ए प्लेन सरफेस, की तुम्हारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस दोनों चीजों को चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट हमारा कौन सा है स्ट्रेट एज। इसके अलावा जो जो हमारी एक्यूरेसी रहेगी यानी कि प्रॉपर एक्यूरेसी होगी फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस के लिए वो हम यूज करेंगे प्लेनर के लिए भी, लेथ के लिए भी और शेपर के लिए भी, ताकि जब हम प्लेनर लेथ और शेपर तीनों को इंस्टॉल करें हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर तो वो क्या हो एकदम स्ट्रेट हो यानी कि वो फ्लैट हो और पैरेललिज्म हो, क्योंकि जो भी हम ऑपरेशन करेंगे वो डिपेंड करेगी पैरेललिज्म और फ्लैटनेस के ऊपर। अगर हमारा जो इंस्टॉलेशन होगा मशीनरी का अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उसके बाद जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे, जो जॉब्स तैयार करेंगे, तो उन जॉब्स के अंदर ऑपरेशंस के अंदर एरर होंगे, मिस अलाइनमेंट होंगी। तो इसलिए इंस्टॉल करने से पहले हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम पैरेललिज्म, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे अलग अलग जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट एज, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेटनेस, इट इज यूज फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेटनेस एंड flatness, it is used for testing the straightness and flatness of plane surface, of plane surface, ठीक है। कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है उस प्लेन सरफेस की फ्लैटनेस और जो स्ट्रेटनेस है इनको टेस्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट हमारा कौन सा है स्ट्रेट एज। जो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द वेज, वो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट द एक्यूरेसी, टेस्ट द
टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द वेव्स, टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द वेव्स ऑफ लेट प्लेनर, ऑफ लेट प्लेनर। ठीक है, लेट प्लेनर की हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम किस तरह से कर रहे हैं कि जो भी हमारा लेट प्लेनर है, लेट प्लेनर के अकॉर्डिंग, इसके अलावा हमारा क्या रहेगा, शेपर, लेट प्लेनर, शेपर एटसेट्रा, कि जो हम टेस्टिंग करेंगे वो विद द एक्यूरेसी, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रही हैं स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को, वो विद द एक्यूरेसी हम करेंगे। जो भी हमारे लेट वेव के अंदर प्लेनर होंगे, शेपर होंगे, लेट वेव होता है यानी कि जो हमारा स्लाइड वेव होते हैं जैसे कि, तो अलग अलग होंगे, शेपर के अंदर भी होगा, लेथ के अंदर भी होगा और प्लेनर के अंदर भी होगा, तो उनकी स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस को भी चेक करने के लिए हम इनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेट स्ट्रेट एज इन द फॉर्म ऑफ स्टील स्ट्रिप, ये क्या होता है, एक स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में अवेलेबल होता है, अलग अलग साइज के अंदर अलग अलग इनकी लेंथ होती है। अगर हम बात करें तो इट इज अवेलेबल इन लेंथ फ्रॉम, ठीक है, 100 mm टू 2000, कि अगर हम साइज की बात करें, कि जो लेंथ साइज लेंथ की बात करते हैं, अगर साइज लेंथ की बात, तो जो हमारा स्ट्रेट एज है ये हमें 100 mm से लेके 2000 mm तक मिल सकता है। ठीक है, 100 से लेके 2000 mm तक हमें मिलेगा अगर हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट एज की, जिसको हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस के लिए। ये क्या होता है, एक स्मॉल स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, इट इज अवेलेबल इन, या फिर हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट एज इन द फॉर्म ऑफ स्टील स्ट्रिप, इट इज इन फॉर्म ऑफ स्टील स्ट्रिप, स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलेगा, जो हमारा स्ट्रेट एज रहेगा स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में। तो ये हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेट एज, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए जो भी हमारे फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस है। तो एक बार देख लीजिए कि स्ट्रेट एज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्ट्रेट एज एंड फ्लैटनेस ऑफ ए प्लेन सरफेस। कोई भी हमारा सरफेस है मान लीजिए जो बिल्कुल नीचे से क्या है, प्लेन सरफेस है, तो उस प्लेन सरफेस की स्ट्रेटनेस होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पे एरर तो नहीं है, अप एंड डाउन तो नहीं है। तो उन चीजों को चेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा कहलाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्ट्रेट एज। इसके अलावा और क्या हम लिख सकते हैं, कि जो हमारी लेथ है, लेथ वेज यानी कि वे होते हैं, लेथ के अंदर प्लेनर के अंदर शेपर है, तो उनकी टेस्टिंग विद द एक्यूरेसी चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमने क्या बात की, कि अगर हम साइज की बात करें तो जो हमें स्ट्रेट एज मिलते हैं अवेलेबल साइज है, वो 100 mm से लेके 2000 mm तक अवेलेबल मिलेगा, और जो फॉर्म होगी वो एक स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डायल गेज। फोर्थ जो हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर, वो हमारे लिए क्या होगा, डायल गेज। फोर्थ पॉइंट रहेगा डायल गेज। तो देखिए डायल गेज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कि डायल गेज, दिस इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर, या फिर इंडिकेटिंग गेज। आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि डायल गेज को हम डायल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, डायल गेज भी बोल सकते हैं, और इंडिकेटिंग गेज भी बोल सकते हैं, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर चेकिंग पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स, जो भी हमारे रॉड्स हैं, होल्स हैं, या फिर फ्लैटनेस ऑफ सरफेस है, तो इन फ्लैटनेस ऑफ सरफेस को, होल्स की पैरेललिज्म को चेक करने के लिए, जो हमारे रॉड्स हैं, रॉड्स की जो पैरेललिज्म है उसको चेक करने के लिए विद एन एक्यूरेसी 0.01 mm। तो जिस डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं वो हमारी कौन सी कहलाती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं डायल गेज। तो डायल गेज में लिख सकते हैं दिस, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर, इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर और इंडिकेटिंग गेज, इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर और इंडिकेटिंग गेज। इट इज यूज्ड। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग पैरेललिज्म के लिए यूज करते हैं, पैरेललिज्म को चेक करने के लिए, यूज्ड फॉर चेकिंग पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स एंड होल्स, जो भी रॉड्स
कंट्रोल्स हैं उनकी पैरेललिज्म को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस जो भी हमारे सरफेस हैं, प्लेन सरफेस हैं, उन सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए विद एन एक्यूरेसी 0.01 mm एक्यूरेसी के साथ यूज करने के लिए। और वाइडली जो हमारे ये गेज हैं, इन गेज का नॉर्मली हम यूज करते हैं, जो हमारी लेथ मशीनें होती हैं उन लेथ मशीन पे हम यूज करते हैं डायल गेज का। तो स्टार्टिंग से देख लीजिए, टॉपिक हमने शुरू किया था टेस्टिंग इक्विपमेंट से पहले हम दो इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर, नेक्स्ट हमने बात की हमारे स्पिरिट लेवल के बारे में। थर्ड हमारा स्टेट एज रहेगा, तो ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्टेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ प्लेन सरफेस। कि किसी प्लेन सरफेस की स्टेटनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम स्टेट एज का यूज करते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेज, जो भी हमारे वेज हैं, चाहे वो लेथ वेज हैं, प्लेनर वेज है या शेपर वेज है, उनको एक्यूरेसी के साथ टेस्ट करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं स्टेट एज का। साइज की अगर बात करें तो साइज लेंथ जो हमारी अवेलेबल होती है वो हम मिल सकती है 100 mm से लेके 2000 mm रहेगी हमारी लेंथ साइज, जो इसके लिए होगी स्ट्रेट एज के लिए। एक स्टील स्ट्रिप की फॉर्म में अवेलेबल होगा स्ट्रेट एज। नेक्स्ट हमने बात की डायल गेज के बारे में, तो डायल गेज क्या है, इट इज आल्सो नोन एज डायल इंडिकेटर। इसको हम डायल इंडिकेटर या डायल इंडिकेटिंग गेज भी बोल सकते हैं। यूज इसलिए करते हैं चेकिंग करने के लिए पैरेललिज्म ऑफ रॉड्स एंड जो हमारे क्या रहेंगे होल्स हैं, होल्स और रॉड की पैरेललिज्म को चेक करने के लिए। जो फ्लैटनेस ऑफ सरफेस है विद एन एक्यूरेसी 0.01 mm एक्यूरेसी के साथ फ्लैटनेस चेक करने के लिए सरफेस की, जिस इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कहलाता है डायल गेज। और नॉर्मली हम डायल गेज का सबसे ज्यादा अगर यूज की बात करें तो वो हम यूज करते हैं लेथ मशीन के अंदर, की जो हमारा लेथ मशीन होगा, लेथ मशीन पे हम यूज करते हैं डायल गेज का। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट इज ए राउंड गेज इन विच पॉइंटर मूव्स ओवर द बैट, यानी कि ओवर द जो भी हमारा ग्रेजुएटेड स्केल होगा उस ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर हमारा पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। नॉर्मली ये इससे पहले भी हम इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा यूनिट है जिसके अंदर मेजरमेंट एंड गेजिंग यूनिट थी उसमें हम बात कर चुके हैं, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम तीसरी बार कर रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स को। तो डायल गेज के बारे में आपको पता लगा कि ये क्या होता है, इट इज ए राउंड गेज, कि एक राउंड गेज है इन विच ए पॉइंटर मूव्स, जिसके अंदर एक पॉइंटर मूव करता है ओवर ए ग्रेजुएटेड स्केल, जो हमारा ग्रेजुएटेड स्केल होगा उस स्केल के ऊपर एक पॉइंटर मूव कर रहा होगा, वो पॉइंटर कौन सा होगा, डायल गेज, उसको हम क्या बोल देंगे डायल गेज। जो भी रीडिंग्स होगी उस पॉइंटर के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, नोट कर लेंगे, जो भी रीडिंग्स आएगी जब अप्स एंड डाउन्स होगी, जब पैरेललिज्म नहीं होगा, फ्लैटनेस ऑफ सरफेस नहीं होगी, तो रीडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी अलग अलग टाइप्स। तो हर टाइम पे, क्योंकि इंटरवल के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंटरवल के बाद जो भी हम लेंथ वगैरह है, फ्लैटनेस सरफेस है, पैरेललिज्म है, उनको चेक करेंगे, तो जो भी रीडिंग्स होंगी वो रीडिंग्स हमारे डायल इंडिकेटर में इंडिकेट करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे जो हमारे ऑटोकॉलीमीटर है, तो ऑटोकॉलीमीटर के बारे में, मैंड्रल्स के बारे में, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट हैं, इन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।